हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन के जो सेट आपको उपलब्ध कराए गए हैं उसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों कौन से क्वेश्चन में कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ था जिस वजह से वहां पर गलती हुई। ये पॉइंट्स एक समय आते आते इतना हो जाएगा कि आप किसी भी एरर स्पॉटिंग के सवाल को देखेंगे तो बिल्कुल उसे बना पाएंगे। लेकिन यहां पर शर्त वही लागू है कि जब आप इस एपिसोड को शुरू से देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। वैसे बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, लोगों को चाय और पकौड़े की याद इस मौसम में जरूर आ जाती है, बट पढ़ाई और काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। नहीं नहीं, मैं यहां पर आपको ताना देने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं। इस 6 से 8 महीने में जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 8 महीने में मुझे एहसास हो गया बहुत अच्छे से कि आखिरकार जो है रिजल्ट का परसेंटेज इतना कम क्यों है। अभी कुछ दिन पहले बहुत बात चल रही थी बेरोजगारी की। आपको क्या लगता है कि रोजगार के लिए वैकेंसी आ जाएगी तो आपका रिजल्ट हो जाएगा? सोचिएगा जरूर। ये बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो लोग इस स्पीकअप मुहिम को चला रहे थे, वैसे बच्चे जो इसको लिख रहे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इसको लिखना नहीं चाहिए, बट अपने गिरेबान में झांक करके जरूर देखिए, अपनी पढ़ाई का लेवल जरूर देखिए। क्या ये वैकेंसी आ जाएगी तो आपका रिजल्ट हो जाएगा? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। आपको आता कुछ नहीं है, वैकेंसी आ भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? बच्चे देखो, मेरा एक ही मकसद है, मैं यहां से कोई ताना वाना देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और आप पढ़ो या ना पढ़ो, मैंने पहले ही कहा है कि मैं कमिटेड हूं अपने चैनल को लेकर के। मैं अभी बारिश में भींग करके आया हूं और कल भी बारिश हो रही थी, उस समय भी मैं भींग कर आया हूं, थोड़ी तबियत नासाज हो गई उस वजह से, फिर भी देखो कि मैं स्टूडियो में हूं। मैं कमिटेड हूं, मैं अपने चैनल को चलाऊंगा, यहां से जो चैप्टर्स आते हैं, जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं पढ़ाऊंगा। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, आपसे सीनियर हूं, और आपके जीवन में कभी भी कठिनाई ना हो ये मेरी दिली ख्वाहिश है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जागो, पढ़ो, अपने करियर के प्रति, अपने प्रति, आने वाले अपने कल के प्रति जागरूक हो जाओ। जिस माँ बाप ने आपके लिए उतना कुछ किया है, बलिदान दिया है, उनके लिए एक खुशियां बटोर सको, और उनके उस समय में जब उनको आपकी जरूरत हो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैं यहां पर इसी उम्मीद से आपसे ये बार बार कहता हूं कि आप जागें, कोशिश करें। मैं जानता हूं इरिटेशन होता है, परेशानी होती है, बिल्कुल होती है। जब आप चल करके कहीं जाते हैं तो पैर दुखता है, बट लाइफ है यार, चलना पड़ता है, करना पड़ता है। किसे पढ़ना पसंद है? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत आराम से सब कुछ आ जाए, फरारी वरारी हो मेरे पास और कुछ नहीं, मैं लोगों को ऑर्डर दूं, जो चाहूं वो मेरे सामने आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज मानते हैं लोग नींद को, लेकिन आपको पता है नींद के लिए आप क्या देते हैं? अपनी उम्र, 6 घंटे की उम्र। अगर आपको 6 घंटे की नींद चाहिए तो आप 6 घंटे की उम्र देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि उस 6 घंटे में आपने क्या किया। कहने के लिए लोग 70 साल जीते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ हम 18 घंटे ही जीवित होते हैं, बाकी 6 घंटे तो होश ही नहीं होता। जोड़ लीजिए 70 साल में कितने दिन आप जीवित रहते हैं। तो नींद के लिए जब इतना बड़ा बलिदान देना पड़ता है तो आप ये कैसे सोचते हैं कि बैठे बैठे लगे रहने से, कोशिश करते रहने से, थोड़ा बहुत जैसे तैसे रूटीन चलाए रखने से आपका रिजल्ट हो जाएगा? मैं यहां पर ये इसलिए आपको समझा रहा हूं कि दौर कॉम्पिटिशन का है और कॉम्पिटिशन आसान नहीं है, तगड़ा है। इसीलिए जागिए, पढ़िए। चलिए, यहां पर अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतनी सी बात मैं कहता हूं, सोचिएगा जरूर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें, आप अपनी जरूरत को सामने रखें, क्योंकि अगर आप अपनी दिक्कत को सामने नहीं रखेंगे तो आपकी परेशानी कभी हल नहीं होगी। आपकी हर समस्या का समाधान आपकी सोच में छिपा हुआ है। चलिए, यहां पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, जो बच्चे सेट 23 को नहीं बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आइए, देखिए कि इसका आंसर क्या है और इसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए। तो चलिए फटाफट आंसर सीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि सेट 23 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। चलिए देखा जाए।
आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 23 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को भगा भगा करके आंसर देखेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये 24 घंटे में सिर्फ आपका 20 या 25 मिनट लेगा लेकिन बहुत अहम जानकारी आपको दे जाएगा जो आगे आने वाले 20-25 न जाने कितने सालों तक आपको काम आएगा। आप अपने जूनियर अपने आगे आने वाले जनरेशन सबको ये सिखा सकते हैं। आपके ज्ञान के भंडार में ये बात कुछ ना कुछ जोड़ेगा जरूर। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा। चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमने 300 क्वेश्चन कराए हैं तो आज का जो क्वेश्चन है वो है 334वां, क्योंकि 333 पिछले दिन के सेशन का 22वें सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए 333वां सवाल के बाद 334वें सवाल में देखिए। यह सवाल बड़ा ही आसान है, सिंपल, कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड और आगे क्या लिखा हुआ है एंड। और आपको पता है कि जब हम एंड लिखते हैं तो दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या उसका कॉम्बिनेशन लिखा जाता है। तो यहां पर ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड, तब जाकर के ये फिट होगा। ऐसे यहां पर हम जो वेरी लिखा हुआ है इसको यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पर हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको एंड का रेफरेंस दिया है, ये भी तर्क बिल्कुल सही है। वैसे जब हम आपके लिए वेरी की चर्चा करेंगे उसे लेकर के आएंगे तब हम इस पर डिटेल में जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन रखेंगे जरूर। वैसे भी पढ़ करके भी आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कि भाई ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड। यहां पर वेरी टैलेंटेड साउंड भी अच्छा नहीं कर रहा है, इस तरीके से वेरी का प्रयोग नहीं होता है, यहां पर मोस्ट का यूज करेंगे। और वैसे भी एक पहचान है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। खैर मैं इसलिए कहा, ऐसा नहीं है कि द के पहले नहीं किया जाता है, बट अगर उसमें से किसी एक जगह पर द नहीं होता तब हम कुछ और सोच सकते थे। बट यहां पर एक आसान सी बात है कि सबसे पहले तो एंड का कॉम्बिनेशन है और आपको पता है कि एंड जो है सेम काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉम्बिनेशन को जोड़ता है। इसीलिए जो इसका सी सेक्शन है उसमें वेरी को हटा देंगे और उसकी जगह पर हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 334वें का आंसर है वो है आपका सी। चल 35वां सवाल देखा जाए। ये सवाल भी मैंने आपको बताया है, देखिए इसमें नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन है। और सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। अब देखिए नाइदर नॉर की बात है, यहां पर हमने नाइदर नॉर की बात इससे पहले की है और वहां मैंने बताया कि ये नाइदर नॉर आइदर और ये सेपरेटर की कैटेगरी में आते हैं और इससे जब हम दो नाउन या प्रोनाउन को ऐड करते हैं तो जिसके नजदीक हम वर्ब लिख रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि अगर हम ये लिखें कि राम और आई तो हम यहां एम लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इससे इंटरोगेटिव बनाएं, कुछ भी लिखें, माय फ्रेंड लिखें, नॉटी लिखें, राम और आई एम नॉटी लिखें, आई एम पुअर लिखें, वो चलेगा। अगर हम इससे इंटरोगेटिव बनाते हैं तो मुझे यहां पर इज राम और आई पुअर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहां पर भी आप पुअर लिख दीजिए तो सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा कि राम और आई एम पुअर, इज राम और आई पुअर। अब देखिए इसके बगल में हमने लिखा और इसके बगल में हमने लिखा, तो यही चीज मैं पिछले दिन भी समझाया था और एक बार फिर से मैंने आपको ये बता दिया कि आइदर और नाइदर नॉर या और ये जो सेपरेटर है इसका जब हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो वर्ब जिसके नजदीक लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और सवाल में क्या कह रहा है कि सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज, और नॉलेज के हिसाब से होगा तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है, इसका प्रयोग नहीं होगा। इसकी जगह पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 35वें का आंसर होगा वो होगा डी,
एक बार फिर से इस बात को सुन लेंगे कि जब सेपरेटर यानी कि नाइदर नॉर, आइदर ऑर या और इससे हम नाउन या प्रोनाउंस को ऐड करते हैं तो वर्ब हमेशा अपने बगल वाले के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे हमने यहां राम के बगल में लिखा इज और उसी सेंटेंस में हमने एक साधारण सेंटेंस बनाया है अफर्मेटिव जहां पर हमने आई के बगल में वर्ब लिखा है और इसीलिए जो उसका प्रयोग हुआ है वहां पर एम का प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हमने नहीं किया है। यह ध्यान रखने वाली बात है और इसीलिए जो 335वें का आंसर है वो है आपका डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए 336वां सवाल कह रहा है द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्टेड दैट। अब देखिए इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है दैट है और दैट से पहले लिखा हुआ है प्रिडिक्टेड, तो पास्ट में लिखा हुआ है, ये जो है वी टू है। सिंपल है कि द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्टेड दैट द रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म मे कंटिन्यू, नहीं यहां पर क्या हो जाएगा मे की जगह पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। आपको पिछले दिन भी इस पर एक सवाल था, अक्सर ये सवाल रहता है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये मन में भ्रम नहीं रखिएगा कि नैरेशन से जो है सवाल बैंक में नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे, मुझे याद है जब मैं क्लास में नैरेशन शुरू करता था तो जो बैंक के बच्चे होते थे वो अक्सर गायब होने लगते थे, फ्रीक्वेंटली एबसेंट होते थे कि सर ये तो बैंक में पूछा नहीं जाता। तो बंधु ऐसा नहीं कह सकते, देखिए कि यहां प्रेडिक्टेड है और ये एक नैरेशन का कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस है कि द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्टेड दैट द रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म माइट होगा, यहां पर मे नहीं होगा और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है यहां जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो उसका जो इनडायरेक्ट बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जितने भी वर्ब्स उसमें होते हैं, अब 2+V1 की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिए कि वो वर्ब नहीं है, वो नाउन है, इन्फिनिटिव है, तो उसको नहीं, जो वर्ब है एक्चुअली जो V1 से लेकर के V5 के किसी फॉर्मेट में है और एक्शन की तरह यूज किया जा रहा है, चाहे वो मॉडल वर्ब भी हो उसमें इंक्लूड है, हेल्पिंग वर्ब भी हो उसमें इंक्लूड है, इज को हम वॉज या वर्ड कर लेते हैं, एम रहता है तो उसको भी हम जरूरत के हिसाब से वॉज या वर्ड कर लेते हैं, हैज हैव होता है उसको हम हैड कर लेते हैं, मे होता है माइट कर लेते हैं, कैन होता है कुड कर लेते हैं। तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं, पिछले दिन भी इस पर एक सवाल था और ये सब सवाल बनना चाहिए। लिख करके बताइएगा जरूर कि आपने ये सब सवाल सही सही अब बनाना सीख लिया है या अभी भी गड़बड़ी हो रही है, और अगर अभी भी गड़बड़ी हो रही है तो बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप में है। आप बनाते समय या तो फुली फोकस्ड होकर के नहीं बनाते हैं, एक सवाल बना करके फिर व्हाट्सएप में घुस जाते हैं, फिर अगला सवाल देखते, वीडियो पॉज कर दिया, बैक कर लिया, पता नहीं कैसे कैसे आप लोग देखते हैं। ये सब सवाल इतनी बार हो चुका है कि अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं और बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए 37वां सवाल देखा जाए। 37वें सवाल में कह रहा है द क्रूएल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग The prisoners until they did not confessed. अब देखिए सबसे पहले तो did not के बाद confessed लिखा हुआ है, जो कि ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि जब हम लिखते हैं I played और जब हम इसका बनाते हैं interrogative बनाते हैं या negative बनाते हैं तो क्या कहते हैं I did not play। सबसे पहले तो यहीं पर देखने वाली बात है और यह बहुत बेसिक जानकारी है, बताइएगा जरूर हमको कि इस बेसिक जानकारी को आप डिफरेंशिएट कर पाए या नहीं, सवाल में आपको दिखा या नहीं। तो डिड नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है सवाल में, कन्फेस्ड, ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो यह है, या तो कन्फेस या नहीं तो फिर डिड हटाना पड़ेगा वहां से, नॉट हटाना पड़ेगा वहां से। एक तो ये बात है कि आपको आसानी से यह गड़बड़ी दिख गई तो आपके मन में फिर आएगा कि सर हम कन्फेस क्यों ना कर ले, उसके पीछे एक रीजन है, नहीं कर सकते। पिछले दिन मैंने आपको अनलेस और अंटिल के बारे में बताया था और अनलेस और अंटिल को किसी सेशन में जब सवाल इस पर पूछा गया था वो मैंने आपको बताया था, अनलेस में बताया था कि ये वर्क टू वर्क रिस्ट्रिक्शन को बताता है और ये टाइम टू वर्क रिस्ट्रिक्शन को बताता है। जब तक वह नहीं आएगा क्लास शुरू नहीं होगी और अगर तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। इसमें देखो, यदि तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, तो यहां जो अनलेस है उसमें एक काम दूसरे काम से प्रतिबंधित होता है और अंटिल में क्या होता है कि कोई काम समय से प्रतिबंधित होता है। चूंकि इसके कॉम्बिनेशन में भी ही नहीं लगा हुआ है इसलिए इसके साथ हम नेगेटिव कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं दोनों के साथ। तो अब देखिए कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या आया कि अगर हम अंटिल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अगर मेरे सेंटेंस में अंटिल दिया हुआ नहीं होता कि कह रहा द क्रूएल किंग बिलीव्ड इन पनिशिंग द प्रिजनर्स अंटिल दे डिड नॉट कन्फेस्ड,
तो सबसे पहले है कि मन में आएगा कन्फेस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, बट चूंकि अंटिल है उसके साथ मुझे नेगेटिव यूज नहीं करना है, इसलिए हम कन्फेस्ट को नहीं डिड नॉट को यहां से रिमूव करेंगे और मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनलेस और अंटिल जिस सेंटेंस में होता है, जिस सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसमें हम नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव का यूज नहीं करते हैं, दूसरे वाले क्लोज में करते हैं। जैसे है कि जब तक वह नहीं आएगा तुम नहीं जाओगे, तो ये जो जब तक है यहां जो अंटिल लिखेंगे इसमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे, लेकिन तुम नहीं जाओगे उसमें हम लिखेंगे यू वॉन्ट गो, वहां पर लगाएंगे नेगेटिव। तो मतलब अंटिल जिस सेंटेंस का हिस्सा होता है, जिस क्लॉज का हिस्सा होता है, उसमें हम नेगेटिव यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर जो डिड नॉट का प्रयोग है वो गलत है, और इसीलिए जो 37वें का आंसर है वो आपका हो गया सी। क्या करेंगे? आपको पता है कि अनलेस और अनटिल इसके साथ हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 38वां। ये सब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही आसान है, इसको देखना जरूर, रिवीजन जरूर करना, बनाने से पहले रिवीजन करो। मैं जितनी बातें कहता हूं अगर उतना करोगे तो कुछ एक सेक्शन तो इंग्लिश के मैं आसान कर ही दूंगा, और अगर चलते रहे साथ में तो पीछे से मैं ग्रामर के सेशंस भी ला रहा हूं और वहां पर मैं रूल्स तो बता ही नहीं रहा हूं। पिछले दिन जो पॉजिटिव वाला बताया वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, आप मुझे लगता है कि आप जानते होंगे। परेशानी हो तो लिखिए, उसमें भी उससे भी संबंधित कोई सवाल है तो लिखिए, कैसा लगा, समझ में आया वो लिखिए जरूर। चलिए 38वां सवाल है कि एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर। अब देखिए अप्रोच्ड हिम है तो रिपोर्टेड द मैटर होगा ना, सीधा सा है कि एक सेक्शन जो है वो पास्ट में है तो दूसरा सेक्शन प्रेजेंट में कैसे लिखे और एंड से जुड़ा हुआ है। फिर से देखिए यहां पर क्या है कि सीधा सा यहां देखिए क्या कह रहा है कि एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड, जब भी एंड लिखा हुआ है तो एक तरफ जो लिखा हुआ है दूसरे तरफ भी वही लिखा हुआ मिलेगा, तो यहां पर रिपोर्ट का प्रयोग गलत है, होना चाहिए रिपोर्टेड। और इस लिहाजन जो 38वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या करेंगे? बड़ा ही आसान है, एंड का कॉम्बिनेशन है, एंड से जुड़ा हुआ जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें एक जो है वो ईडी वाला है, और चूंकि कहानी मेरे पूरे पास्ट की है तो इसलिए हम पहले वाले को जो यहां पर अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले जो है एंटर्ड लिखा हुआ है, तो पास्ट की है तो हम जो रिपोर्ट है उसको हम रिपोर्टेड कर देंगे। ये सब भी ध्यान रखना है, आपके मन में आएगा कि एक तरफ रिपोर्ट है तो दूसरी तरफ हम अप्रोच कर देते हैं, ऊपर भी तो देखिए कि फिर एंटर्ड गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए रिपोर्टेड करना सही है, सारे के सारे पास्ट में आ जाएंगे। चलिए 39वां सवाल देखा जाए, 39वें सवाल में कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वॉज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ? अब देखिए इंस्टीड ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है के बदले, के बदले, तो यहां पर एक्सचेंज का भाव आ रहा है, यहां सेंस नहीं आएगा। तो इंस्टीड ऑफ का जो सेंस है, अब यहां सेंस मेरा क्या आ रहा है कि बीइंग अ क्लियर विनर ही वॉज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड, तो होना चाहिए के बावजूद, और के बावजूद का जो सेंस होता है वो होता है इनस्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है के बावजूद, और जो इंस्टीड ऑफ है इसका मतलब होता है के बदले, ये ध्यान रखिएगा के बदले, और इसका मतलब होता है के बावजूद। तो मेरा जो संदर्भ है उसमें ये सही नहीं है, ये सही है कि क्लियर विनर होने के बावजूद भी उसे जो है बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो नहीं दिया गया। तो यहां पर जो इंस्टीड ऑफ लगा हुआ है उसमें से हम इंस्टीड को हटाएंगे और इनस्पाइट ऐड करेंगे, तब जा करके मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसीलिए 39वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्यान रखना है इंस्टीड और इनस्पाइट, सुनने में ज्यादा कुछ अंतर नहीं लगता है, बट इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में, ये सेंस आता है, इनस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कि कुछ अचीव कर लिया बट उसके जैसा कुछ नहीं, तो ये कहते हैं के बावजूद, कि सारी फैसिलिटी होने के बावजूद वह सफल नहीं हो सका, इस तरह का सेंस जो है के बावजूद। यहां पर वही सेंस आ रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर ही वॉज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर अवार्ड, और तब जाकर के ये मेरा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 39वें का आंसर होगा वो हो जाएगा
ए। चलिए 40वां देखा जाए, कह रहा है हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years। चूंकि यहां पर प्लुरल है तो यहां पर ईयर्स एपोस्ट्रॉफी एस हम पोजिशन के लिए दर्शाते हैं, का की और के सेंस में प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब हमने लिखा है 5 तो यहां पर ईयर्स, क्योंकि आप साधारण तौर पर ये समझते हैं 5 mangoes, 5 pens, 5 rooms, तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वहां पर गलत है। ये सवाल बड़ा ही आसान था और 40वें का जो आंसर है वो है डी, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग यहां पर सही संदर्भ में नहीं हुआ है। यहां जो प्रयोग होगा वो एक प्लुरल नाउन के तौर पर प्रयोग करना है और प्लुरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए जो 40वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 41वां सवाल देखा जाए, कह रहा है इंस्टीट ऑफ लाइंग ऑफ। अब देखिए कि फिर से यहां पर वही बात जो ऊपर दोहराया गया है कि इंस्टीट ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब देखिए यहां पर है के बदले में, वो सेंस यहां पर फिट बैठ रहा है कि इंस्टीट ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, और इसीलिए यहां पर जो इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सिंपल सा है टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, बिल्कुल ये कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, और इसीलिए जो 41वें का आंसर है वो है आपका नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। क्या है? इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, और इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ई, और इसमें ये ऑप्शन लगाना है, ध्यान रखिएगा कि 5वां ऑप्शन भी है जरूर। चलिए 42वां सवाल देखा जाए, 42वें सवाल में कह रहा है कि वी हैव, और जैसे ही लगा हुआ है हैव तो आपको ध्यान देना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी हैव रिसेंटली बिगेन, और देखिए बिगिन बिगेन वी टू है, नहीं होगा बिगन, क्या हो जाएगा वी हैव रिसेंटली बिगन, और यहां पर जो बिगेन लिखा हुआ है ये गलत है, इस जगह पर क्या हो जाएगा बिगन, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 42वें का आंसर है वो हो गया आपका ए। चलिए 43वां सवाल देखा जाए, और फिर से देखिए कि 43वें नंबर सवाल में इनस्पाइट तो लिखा है बट उसके बगल में ऑफ मिस है, इनस्पाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर एक और चीज है कि आर अवेयर ने बीइंग अवेयर इन स्पाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अवेयर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी, आर अवेयर नहीं बीइंग अवेयर, और बीइंग का प्रयोग मैंने आपको बताया है एक एपिसोड में, ठीक है, कुछ भी अगर पहले से है, कुछ भी है जैसे बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लीडर, हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं, वो वाला मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं वो एपिसोड, आप देखिए कि बीइंग का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इतने डिटेल में नहीं जाइएगा फिर भी आप 43वें नंबर सवाल में आसानी से ये समझ गए कि इंस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, दैट को हटा करके वहां द करेंगे, और जो आर लिखा हुआ है उसकी जगह पर लिखेंगे बीइंग अवेयर। देखिए यहां पर एक और चीज है कि यही चीज आपको पीछे भी दिखेगा 39वें नंबर में कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर, ये स्ट्रक्चर ये कॉम्बिनेशन अक्सर इसके साथ यूज में देखा जाता है। यहां पर जो लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन आर, सबसे पहले तो आर वहां गड़बड़ है ना, वो बिल्कुल आर तो होगा नहीं ना, सिंपल सा है ऑर्गेनाइजेशन, तो इन स्पाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी, तो ये चीज यहां पर है कि बी का कौन सा फॉर्म आ रहा है, किसके लिए यूज किया था, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाया गया है, और इसीलिए वहां पर आर वैसे भी अनुचित है तो उसे भी हटाना है। इसमें ए वाले हिस्से में ही 2-3 सुधार है कि सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है ए, एक तो ऑफ ऐड करना है, दैट को रिप्लेस करना है द से, और आर को हटा करके उस जगह पर बीइंग लिखना है, तब जाकर के ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए 43वां सवाल हो गया, 44वां देखा जाए, 44वां में कह रहा है ऑल दो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, अब यहां पर द लगेगा,
although the interlinking of rivers, ये particularize है कि ये एक river के लिए जो किया गया काम है वो particular कुछ यहाँ पर हम express करने की कोशिश कर रहे हैं. Although the interlinking of rivers will help tackle drought, the government has not paid much attention to this project. The interlinking, और तब जाकर के सही होगा. Although interlinking सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैंने कहा था किसी भी चीज को अगर particularize कुछ specialize कर रहे हैं वहां पर तो हम उसमें लिख सकते हैं, वहां पर द लगा सकते हैं. Although a interlinking तो भाई बिल्कुल एन लिखना भी यहां पर बिल्कुल गड़बड़ होगा, कहीं से भी ये फिट नहीं बैठेगा इस संदर्भ में. Although the interlinking of rivers, और इसीलिए जो 44 में का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए. बड़ा ही आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेट में थोड़ी बहुत जानकारी है, बट अब जो सेट आ रहा है उसमें मैक्सिमम पिछले ही जो समय में जो सेट में बताया है मैंने वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं. आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होने चाहिए. अगर आपको मार्क्स अभी भी अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ये एक बार आपको बैठ करके ये चिंतन करने और सोचने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ. अगर आपने 22 एपिसोड पूरा देखा है, सारे पॉइंट्स को ईमानदारी से नोट किया है, तो अब आपके 10 प्लस होने चाहिए 15 में. और अगर अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहा है, परेशानी कुछ है, तो लिख करके बताइए जरूर, ऐसे नहीं होना चाहिए. चलिए अगला सवाल देखा जाए, 45वां सवाल में क्या कह रहा है कि कीपिंग इन माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज. अब देखिए ऑफ लगा हुआ है तो इकोनॉमीज लगाया. मेनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड, नहीं आर इन्वेस्टिंग, नॉर्मल सा है कि मेनी इंटरनेशनल कंपनीज, और वही मेरा सब्जेक्ट है, वही इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो जब हम सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो पैसिव का फॉर्मेट लिखने का सवाल ही नहीं उठता है. जब हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से दिखाते हैं कि एक्शन किस पर हो रहा है और ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिखते हैं, तब हम इज आर एम यानी कि वर्ब टू बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं. चूंकि ये वॉइस का सेशन इन दिनों चल रहा है तो ये बात मैं नहीं समझता हूं कि आपको समझाने की कोई खासी जरूरत है. आप अगर नहीं देखे हैं तो वॉइस के प्लेलिस्ट में जाकर के उस एपिसोड को शुरू से देखिए जरूर, ये आपके लिए कई मायने में लाभदायक है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, और इसीलिए जो 45वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि आपको पता है कि इज आर एम वाज वर यानी कि वर्ब टू बी के बाद हमेशा हम वर्ब वन प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए जो 45वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन्वेस्टेड को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग. 46वां सवाल देखा जाए, कह रहा है डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड. अब देखिए सबसे पहले एयरलाइन हैज, हमने इसको सिंगुलर माना है, ये चीज ध्यान रखिएगा. यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल टू पे देयर, नहीं, जब हमने सिंगुलर लिखा है तो इट्स Not there. यहां पर देयर का प्रयोग गलत है. और मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, जो कंसेप्ट आपको समझाया कि जब कभी भी हम जिस तरीके का लिखते हैं, सिंगुलर लिखते हैं तो उसका हेल्पर भी सिंगुलर होता है, प्लूरल लिखते हैं तो उसका हेल्पर प्लूरल होता है. ठीक है, अगर हम ही लिख रहे हैं तो हम वहां देयर नहीं लिख सकते, हिज लिखना है. ये चीज ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसका सिंगुलर हेल्पर लगाएंगे. तो यहां पर जो है, जब एयरलाइन हैज कह रहा है, एयरलाइन इज अनेबल टू पे, इट्स हो जाएगा और इसलिए यहां पर देयर नहीं होगा, और इसीलिए जो 46वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी. ये सब इतनी बार बताया हूं कि ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जैसा मेरा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हेल्पर होता है. अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है और वो केस क्लियर नहीं है कि जेंडर, वो क्लियर भी होगा तो भी हम तो वहां पर लगाएंगे देयर ही भाई. और अगर सिंगुलर है तो वहां पर अगर उसमें क्लियर नहीं है तो हम इट्स लगाते हैं, या फिर कोई नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम इट्स लगाते हैं, ही है तो हिज लगाते हैं, सी है तो हर लगाते हैं. इतनी बार मैं इसे बताया हूं कि अब मुझे ही लगता है कि भाई अब तो लगभग बना ही लेते होंगे आप लोग. खैर, तो यहां पर जो 46वें का आंसर हो गया वो हो गया डी. क्या करेंगे, देयर को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है एयरलाइन को बनाया गया है, सिंगुलर है, हैज और इज का प्रयोग किया, इसलिए यहां पर इट्स का प्रयोग होगा. चलिए अगला सवाल देखा जाए, 47वां, और 47वें सवाल में कह रहा है कि द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर. और यहां पर इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है. द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर. तो देखिए सवाल में जो लिखा हुआ है, बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स,
तो कंपनीज डिसीजन, सबसे पहले ये बात देखिए, इशू बोनस शेयर्स क्लियरली इंडिकेट्स, तो डिसीजन के लिए आया है इंडिकेट्स, यहां पर सही है, द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, और इसीलिए इसका कोई भी हिस्सा गड़बड़ नहीं है, और इसीलिए जो 47वें का आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। मैं जानता हूं कि इसमें परेशानी होती है, फिर भी कोशिश करते रहो, बिल्कुल आप कर सकते हो। अब आज के सेशन का जो आखिरी सवाल है 48वां, देखिए कह रहा है कि आरबीआई इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग करेंटली पॉलिसीज। अब देखिए पॉलिसीज जो है वो एक नाउन है और जो उसको हम यूज करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अगर हम यहां पर करंट पॉलिसीज लिखे कि द आरबीआई इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग द करंट पॉलिसीज गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तब जाकर के सही होगा। करंटली का प्रयोग जो यहां पर संदर्भ है उसका गड़बड़ है, उस जगह पर जो है करंटली पॉलिसीज नहीं होगा, करंट पॉलिसीज होगा, और तब जाकर के मेरा यह सेंटेंस सही होगा, इसलिए हम करंटली को द करंट से रिप्लेस कर देंगे, और इसीलिए जो 48वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी जो है एडवर्ब किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। उम्मीद करता हूं कि इस सेट में जितने भी 15 सवाल थे आप सबको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखे सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसी बात है जो हमारे एक्सप्लेनेशन से, मेरे एक्सप्लेनेशन से मिसमैच होती है, कोई कंफ्यूजन है, नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे और प्रयास जरूर करते रहेंगे। जब भी अगला सेट बनाएंगे तो रिव्यू करके जो है तब बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अब इतनी बार एक ही कंसेप्ट को बता चुका हूं इस 22 और 23 सेट के दौरान कि अब मुझे लगता है कि आपको 10 प्लस अंक जरूर आने चाहिए, और अगर अभी भी आपको अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो बात सोचने और समझने की है। सोच और समझ करके अगर कोई समस्या हो तो वो भी मुझे लिखिए जरूर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़े पढ़ाए खुश रहे मस्त रहे। आपको पता ही है हर एपिसोड की तरह यहां पर भी एक प्रीवियस ईयर का सेट है, अंत में वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बना करके तैयार रहिए। अब समय है यहां से विदा लेने का, शुरुआत में जो बात मैंने कही है उस पर गौर जरूर कीजिएगा और अपने करियर के प्रति और अपने लिए कुछ सोचिए जरूर, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से नियमित रूप से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ा साथी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है आपका। अब समय है यहां से विदा लेने का, अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।